Ready? नहीं सुबह कैसे गए? आशा कर तो बहुत बढ़िया होंगे। सुबह से लोगों ने प्रीव्यू वीडियो देख लिया किस टॉपिक का वीडियो होने वाला, तब लोगों को बर्थडे ट्रेडर्स वीडियो बताने वाला, तो सोनाक्षी सिन्हा का बर्थडे आने वाला है 2 तारीख को, तो आप लोगों को एक बर्थडे ट्रेडर्स वीडियो बताने वाला हूँ। बहुत दिन चैनल में बर्थडे वीडियो नहीं आया, तो आप लोग इस टाइप का स्टेटस किसी का भी बना के बर्थडे विश कर सकते हो। इस टाइप का स्टेटस आप लोगों को बनाने के लिए जस्ट इस वीडियो को फुल करना पड़ेगा। वीडियो में जो कुछ मटेरियल वगैरह इस करोगे सब के लिंक लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डायरी मटेरियल को डाउनलोड करना चाहते हो मेरे टेलीग्राम चैनल में चलो जाओ, वहां पे सारे मटेरियल ही मिल जाएगा। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन कर दे उसको ऑल पे प्रेस कर देना, इससे वीडियो बनाने के लिए टेक्निक है। सो गाइस हम बिल टू अपने बिल टू हम टेक चैनल पर वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hey guys, all right. अभी आप लोगों को सिंपल जस्ट बर्थडे ट्रेडर्स एडिटिंग करने के लिए आप लोगों के फोन के अंदर एक ऐप रहना जरूरी है, वो है एला मोशन ऐप। आप लोगों के बिना वाटरमार्क का ऐप नहीं है ये ऐप, तो सिंपली इसको डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल में जा सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लिंक के ऊपर टच करके जस्ट डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पहुंच जाओगे, नहीं तो टेलीग्राम चैनल में मेरा चैनल सर्च कर सकते हो बिल टू एम टेक। आप लोगों को सबसे ऊपर मेरा चैनल मिलेगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे आके सिंपली पिन वायर के ऊपर टच करके आप लोग जो भी वर्सन अच्छा लगे, लेटेस्ट वर्सन जो भी आप लोगों को अच्छा लगे एला मोशन ऐप का, सिंपली यहाँ पे आके जस्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली आके हम लोग डाउनलोड कर लेना नहीं है, तो ठीक है। और यहाँ पे जो भी मैं इंटरनेट वगैरह यूज़ करता हूँ सब यहाँ पे डाल देते हो गए, तो आप लोग यहाँ पे आके भी सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। तो कर लेना, सिंपली आप लोगों को जस्ट बैक करना पड़ेगा। तो मैं इसको बैक करके जस्ट एला मोशन ऐप को ओपन कर लूँगा, उसका सिंपली आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दूंगा, प्रोजेक्ट को आप लोग सिंपली एला मोशन इंपोर्ट करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा गाइस, उसके लिए वो XML है, तो सिंपली आप लोगों को इंपोर्ट कर लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली आप लोग उसको ओपन करना पड़ेगा, तो मैं सिंपली उसको ओपन करूँगा। प्रोजेक्ट पर मेरा ऑलरेडी है टच, सिंपली एक ही प्रोजेक्ट है, इस टाइप का प्रोजेक्ट है बर्थडे वाला, ठीक है। इसको आप लोगों को ओपन करना पड़ेगा XML फाइल को। उसके बाद सिंपली आप लोगों को इसके अंदर कुछ इस टाइप का इफेक्ट मिलेगा, तो यहाँ पे आप लोग कुछ भी नहीं काम करना पड़ेगा, यहाँ पे इफेक्ट को शो करना पड़ेगा जस्ट, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे दिख रहा है न्यू फोटो, तो यहाँ पे आप लोगों को फोटो ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 लेयर दिख रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पे 2 फोटो लेयर ऐड करना पड़ेगा, लेयर के ऊपर टच करना पड़ेगा। उसके सिंपली यहाँ पे कलर है, इस कलर पे जाना पड़ेगा। उसके सिंपली आप लोगों को जस्ट यहाँ पे स्टार पे टच करना पड़ेगा। उसके सिंपली मैं कुछ फोटो ऐड कर लूँगा सोनाक्षी सिन्हा का, तो सिंपली 2-3 फोटो से इस टाइप का स्टेटस आप लोगों का बन जाएगा। बहुत इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ, बहुत आसानी है, तो सिंपली इसको ऐड कर लेंगे, तो और कुछ भी नहीं काम करना पड़ेगा, तो ऐड हो जाएगा जैसे तो फोटो। उसके बाद सिंपली यहाँ पे ऐड हो चुका, उसके सेम आप लोगों को दूसरे लेयर के अंदर भी इस फोटो को ही ऐड करना पड़ेगा, कलर, उसके बाद यहाँ पे स्टार, उसके बाद जस्ट आप लोगों को वही सेम फोटो को ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों लेयर के अंदर आप लोगों को इस फोटो को ऐड कर देना पड़ेगा, तो हो चुका। यहाँ पे आप लोगों को ब्लैक मिलेगा, मतलब बैंड मिलेगा, तो यहाँ पे आप लोगों का फोटो नहीं शो करेगा, तो आप लोगों को जस्ट यहाँ पे फोटो को ऐसे करके ऐड करना पड़ेगा। तो उसके बाद सेम आप लोगों को यहाँ पे न्यू फोटो जितना तक है उतना तक आप लोगों को इस फोटो को ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं कलर, उसके स्टार, फिर से हम लोग वही फोटो को एक बार और लेंगे, तो ऐड हो चुका है। उसके बाद सिंपली इसको भी हम लोग छोड़ देंगे और कुछ नहीं काम करेंगे। उसके फिर से यहाँ पे वही फोटो, फिर से उस फोटो, फिर से उस फोटो, ठीक है। यहाँ पे इतना तक आप लोग को 6 सेकंड हो गया, उसके फिर से उस फोटो, तो 5-6 बार एक फ़ोटो को लगाना पड़ेगा इतना तक। उसके बाद अभी आएगा न्यू फोटो, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे न्यू फोटो मैंने लिख कर रखा, सिंपली फोटो लेयर पर टच करिए, कलर पर जाइए, उसको स्टार, उसके बाद सिंपली आप लोग एक अलग टाइप का फोटो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पे इस फोटो को ही ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद जस्ट हम लोग ऐड करने के बाद बैक करेंगे, उसके बाद जितना तक आप लोग को न्यू फोटो लिख कर है उतना तक आप लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उस फोटो को मैंने ऐड किया, उसके बाद फिर से यहाँ पे, फिर से यहाँ पे, फिर से यहाँ पे, बस फिर से यहाँ पे, तो 5-6 बार मैंने बैक टू बैक उस फोटो को लगा दिया। उसके बाद अभी आ रहा है न्यू फोटो, तो सिंपली आप लोग यहाँ पे फिर से चेंज करना पड़ेगा फोटो को। सिंपली फोटो लेयर, उसके बाद सिंपली कलर, स्टार्ट, उसके बाद सिंपली आप लोगों को अलग टाइप के फोटो को जस्ट ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली इस फोटो को आप लोग ऐसे ऐड कर सकते हो, तो सिंपली इसको मैंने ऐसे ऐड कर दिया। उसके बाद सिंपली इसको बैक करके फिर से वही सेम फोटो को हम लोग ऐड करेंगे। तो सिंपली इस फोटो को जस्ट कलर पर जाके हम लोग स्टार पर जाके सिंपली इसको भी सेम प्रोसेस में ऐड कर लिया, उसके सिंपली इसको भी हम लोग ऐड करके छोड़ देंगे। तो ऐसे करके आप लोगों को जस्ट जितना तक न्यू फोटो है उतना तक आप लोगों को ऐड कर लेना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो फिर से आप लोगों को न्यू फोटो ऐड करना पड़ेगा सेम जितना तक है, तो सिंपली फोटो लेयर, स्टार पे जाएंगे, कलर पे जाके, तो सिंपली हम लोग इस फोटो को ऐड कर लेते हैं। सिंपली इसको ऐड कर लिया, उसके बाद जस्ट फिर से हम लोग इसको भी सेम कलर, उसके स्टार,
फिर से हम लोग सेम कलर पे जाके इसको भी ऐड कर लिया। उसके बाद ऐड हो चुका है जैसा, तो यहाँ पे तीन लेयर के अंदर इस फोटो को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे ऐसे करके आप लोगों को जितना तक न्यू फोटो रहेगा उतना तक एक एक करके फोटो को बैक टू बैक ऐड करना पड़ेगा। और कुछ नहीं गाइस, आप लोगों को सिंपली वीडियो को फ़ोन के अंदर सेव कर लेना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए जस्ट आप लोग यहाँ पे टच करोगे, उसके सिंपली यहाँ पे क्वालिटी फ़ोन जो भी सपोर्ट करते कर सकते हो सिलेक्ट करके, उसके बाद एक्सपोर्ट पर टच कर देना। उसके बाद एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा, उसके बाद एक इंटरफेस आएगा सेव बोल करके, तो इसको क्लिक करने के बाद ही वीडियो फोन के अंदर लगा सेव हो जाएगा। उसको ऑल पे प्रेस कर देना इसे वीडियो बनाने के लिए देखने के लिए। सो गाइस, कुछ भी वीडियो के बारे में पूछना है तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके जरूर बता सकते हो, और कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना वीडियो अच्छा लगा बुरा लगा कैसे लगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो गाइस, हो सके तो वीडियो को फैमिली से शेयर भी कर देना। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग ऑल, बाय बाय।